हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बारिश का मौसम है अभी, तो पकोड़े बनाना तो बनता है। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर के पकोड़े, जिसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और पनीर के पकोड़े तो सभी को बहुत ही पसंद आते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल, और इसमें मैं डालूँगी एक कटोरी बेसन, और इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, नमक, और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसमें पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालकर इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका बैटर मैंने तैयार कर लिया है, और ये देखिए कितना स्मूथ इसका बैटर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हमें इसका बैटर रखना है। तो इसे मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। तब तक हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे चटनी बनाने के लिए देखिए, मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, और इसमें मैं डालूँगी धनिया, हरी मिर्च, और थोड़ी सी चटपटी हम बनाएंगे चटनी। तो यहाँ पे मिर्च मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी। और इसमें मैं डालूँगी लहसुन की कुछ कलियाँ, आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, मैं टमाटर नहीं ले रही हूँ। और इसमें मैं डालूँगी नमक, और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा चटनी रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक बाउल में ले लिया है, और टमाटो सॉस भी लिया है, और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। तो पनीर को हम लंबे लंबे स्लाइस में पहले कट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। पनीर की स्लाइस हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है, ना बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करनी है। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है, और इसे मैं बीच से एक बार और कट कर लूँगी इस तरह से। ये चटनी हमने स्टफिंग के लिए ली है। तो यहाँ पे हम पनीर में स्टफिंग करेंगे। तो स्टफिंग के लिए हम पनीर को इस तरह से बीच से कट लगाएंगे। ये देखिए, हमें पूरा नहीं काटना है, नीचे से थोड़ा सा हमें छोड़ देना है। तो इसी तरह से सारे पनीर में हम कट लगा लेंगे, उसके बाद हम इसे फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है पनीर में, तो चलिए अब फिल करते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैं चटनी फिल करूँगी पहले। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा सा चटनी लेके बीच में डालना है, इस तरह से। उसके बाद मैं दूसरे पनीर में केचप डालूँगी। तो इस तरह से इसे भी हमें बीच में थोड़ा सा डाल लेना है। तो ये देखिए, तो इसी तरह से हम सारे पनीर को फिल करेंगे। आप चाहें तो सारे में केचप या फिर सारे पनीर में चटनी भी फिल कर सकते हैं, आपको जैसा टेस्ट अच्छा लगे ऐसे आप फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे पनीर को फिल कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा बेसन का जो घोल था वो भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें पनीर को डीप करेंगे। ऑयल भी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक पिंच डाल रही हूँ सोडा, तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पनीर को डीप कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे।
तो अब डाल लेते हैं हम तेल में। तेल हमारा गरम हो चुका है तो इस तरह से हमें डाल लेना है और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। पनीर के पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए पनीर का पकोड़ा हमारा फ्राई हो रहा है, तो इसे हम अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। इसे मैं पलट लेती हूँ दूसरी तरफ भी। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। पनीर के पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं ये देखिए। तो बाकी के पकोड़े भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे मैं निकाल लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं दूसरा बैच भी डाल देती हूँ। और सेम प्रोसेस में हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। पनीर के पकोड़े खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर खाइए, अपने फैमिली को भी खिलाइए। तो ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो चलिए हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेटिंग कर दी है, तो ये देखिए चटनी और सॉस के साथ मैंने सर्व किया है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पनीर पकौड़े ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग।